आइए, ये भी MPI कैसेट के माध्यम से हमारे अंकित भैया के जीवन परिचय को आप लोग सुनेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जो साउंड सर्विस को चला रहे थे हम सभी कलाकारों के साथ में, वो आज हम सब लोगों के बीच में नहीं है। तो चलते हैं। आज मात पिता को सुमिरन करके गुरु अपने को शीश नवाए, अरे गुरु अपने को सुमिर के वीरन कलम हाथ में लई उठाए, के रहने वाले अंकित के
पिताजी मैया का नाम रामायण श्री। आज माता पिता दोनों ने मिलकर के तीन पुत्रों को जन्म दिया और दो बेटियां थी। बड़े बेटे का नाम आशीष यादव, उससे छोटे बेटे का नाम अंशुल यादव, सबसे छोटा अंकित यादव था। ध्यान रखना भक्तों, आगे वो होनी मर रहा गई जिससे कि आज हमसे आगे कुछ बोला नहीं जा रहा है, कैसे बताऊं। इंटर पास
पास करने के बाद में अपने बड़े भैया आशीष से कहने लगे, भैया अब मैंने इंटर पास कर लिया है, आगे पढ़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरा एक काम कर दो भैया। काफी समय से मेरे दिल में लगन थी लेकिन आज तक हमने तुमसे नहीं कहा, लेकिन अब मैंने इंटर कर लिया है तो मेरी एक बात मान लो। और कहने लगे हैं अंकित, तुम पागल हो गई हो बेटा, अभी तुम छोटे हो मेरे भाई, तुम्हें नहीं मालूम है हम तुम्हें कुछ भी करें हम पढ़ाएंगे लाल।
हे काहे भक्तों, आज जैसे ही आज अंकित भैया ने अपने सुंदर कार्य को आगे बढ़ाया, उसी समय ध्यान रखना सेलिन नारायण।
भैया अपने भैया को उठा करके शमशान में ले गया। सभी भाइयों ने मिलकर के जैसे ही अयोध्या को उठाया, उसी समय